मौजूद आप सभी का स्वागत करती हूँ। बॉलीवुड में एक ऐसा एक्टर है जो हर तरह के रोल में परफेक्ट नजर आता है, चाहे बात रोमांस की हो, एक्शन की हो या फिर डांस की। बी टाउन का ये एक्टर इन सभी में बेहतरीन अदाकारी के लिए जाना जाता है। इतना ही नहीं, ऐतिहासिक किरदारों में भी ऋतिक रोशन का अभिनय लाजवाब रहता है। ऋतिक अब इन सब के अलावा कुछ नया आजमाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने अपनी पिछले साल आई फिल्म काबिल से ही कर दी थी, जिसमें उन्होंने एक अंधे आदमी का किरदार इतनी खूबसूरती से निभाया था। ऐसी एक्टिंग जिसे देखकर हर कोई उनकी एक्टिंग का कायल हो जाता है। ऋतिक अब फिल्मों का जॉनर बदलना चाहते हैं। पिछले साल से उनकी एक फिल्म सुर्खियों में बनी हुई है, जो जनवरी में रिलीज होने वाली थी, लेकिन कंगना रनौत की फिल्म मणिकर्णिका की वजह से उसकी रिलीज डेट को पोस्टपोन कर दिया गया था, जो अब एक बार फिर पटरी पर आती नजर आ रही है। ऋतिक की फिल्म सुपर 30 अब 12 जुलाई को रिलीज की जाएगी। सुपर 30 की चर्चा तो पिछले साल से ही चल रही है, लेकिन अभी तक ऋतिक के फैंस उनकी इस फिल्म की एक भी झलक नहीं देख पाए थे। इसलिए अब ऋतिक के फैंस के लिए एक खुशखबरी सामने आई है। दरअसल ऋतिक की फिल्म सुपर 30 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसने आते ही ऋतिक के फैंस को एक बार फिर उनकी एक्टिंग का दीवाना बना दिया है। ये होना तो लाजमी था, क्योंकि काबिल जैसे अलग किरदार में ऋतिक जब इतनी जान डाल सकते हैं, तो सुपर 30 में तो फिर भी वो एक टीचर का रोल निभा रहे हैं। चलिए हम आपको बताते हैं सुपर 30 की कहानी आखिर है क्या। गौरतलब है कि सुपर 30 की कहानी एक बायोपिक है। ये कहानी है पटना के मैथमेटिशियन और सुपर 30 के नाम के कोचिंग इंस्टीट्यूट के संचालक आनंद कुमार की। आनंद जो अपने कोचिंग में कुछ बेहतरीन बच्चों को इंजीनियरिंग कॉलेज IIT के एंट्रेंस एग्जाम की फ्री में तैयारी कराते हैं। इस फिल्म में ऋतिक आनंद कुमार का रोल निभा रहे हैं, और ऐसा पहली बार ही हो रहा है कि ऋतिक किसी जीवित इंसान की बायोपिक में काम कर रहे हो। ट्रेलर में भी ऋतिक अपने रोल में बेहतरीन लग रहे हैं, साथ ही कुछ बच्चों को पढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रेलर में आनंद की लाइफ के कुछ अहम पलों को कैद किया गया है, जो इस फिल्म को और ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं। हाल ही में फिल्म के लीड एक्टर ऋतिक रोशन ने फिल्म का एक पोस्टर जारी किया है, जिसमें उन्होंने कैप्शन दिया है, हकदार बनो। पोस्टर में ऋतिक बारिश में भागते और कुछ बच्चों के साथ मस्ती करते नजर आ रहे हैं। अगर आपने अभी तक फिल्म का ट्रेलर नहीं देखा है, तो हमारी इस स्टोरी के बाद एक बार सुपर 30 का ट्रेलर जरूर देखिएगा। और आपको ऋतिक की सुपर 30 का ट्रेलर कैसा लगा, ये कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहें नेटब्रिक न्यूज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।